जय हिंद दोस्तों, आपका ऑल गोरंट एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बेल आइकन को बटन को ऑन कर दें, जिससे रेलवे में कोई भी गोरंट भर्ती अपडेट मिलेगी दोस्तों हम आपको अपडेट करा देंगे। दोस्तों आज हम बात कर रहे थे एएलपी पोस्ट के लिए। दोस्तों एएलपी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकली आ रही है। जो दोस्तों एएलपी की पोस्ट आई थी पहले 5,679 दोस्तों, अब उनको बढ़ाकर 18,799 कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं किस आरआरबी में कितना पोस्ट बढ़ा है। दोस्तों आप वीडियो को अंदर देखें, मैं आपको सभी आरआरबी में बता दूँगा किस आरआरबी में कितना पोस्ट बढ़ा है। चलो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखो दोस्तों जो नोटिस है, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड। दोस्तों जो नोटिस लिया था, एक कल नोटिस लिया गया था 18/6/2024। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों जा द जनरल मैनेजर और जोन रेलवे। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। ये देखो दोस्तों इन्वायरमेंट ऑफ वैकेंसी ऑफ एएलपी नोटिस सीरियल नंबर 10/2024 एंड डिपेंडेंट रिक्रूटमेंट फॉर जनरल रेलवे। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। ये देखो दोस्तों जो पहले रेलवे रेलवे में जो एएलपी पोस्ट आई थी 5,679 वैकेंसी फॉर एएलपी सीरियल नंबर 10/2024 फॉर किस पोस्ट के लिए, एएलपी के लिए असिस्टेंट लोक पायलट। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। अब ये देखो दोस्तों जो इसमें वैकेंसी बढ़ी है, दोस्तों जोन वाइज बता रखा है। देखो दोस्तों जो पहला जोन है सेंट्रल रेलवे, इसमें पहले जो वैकेंसी थी 535 थी, जो अब वैकेंसी हो गई 1783, यानी दोस्तों 3 गुना वैकेंसी बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसमें पहले 76 वैकेंसी थी एएलपी और अब भी 76 है। दोस्तों सिर्फ ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है हमारा पटना, दोस्तों इसमें वैकेंसी नहीं बढ़ी है, बाकी सभी जनरल रेलवे में सब आरआरबी में वैकेंसी बढ़ दी है। उसके बाद दोस्तों ईस्ट कोस्ट रेलवे जो हमारा पड़ता है भुवनेश्वर, इसमें पहले 479 पोस्ट थी एएलपी और जिसमें 1595 हो गई है। उसके बाद दोस्तों ईस्टर्न रेलवे जो हमारा पड़ता है कोलकाता, इसमें पहले जो पोस्ट थी 415 थी, रविजय 1382 हो चुकी है। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। उसके बाद तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो हमारा पड़ता है इलाहाबाद, इसमें पहले 243 पोस्ट थे, इसमें जो दोस्तों 802 पोस्ट कर दी गई है। उसके बाद दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रेलवे यानी कि एनईआर यानी गोरखपुर, पहले इसमें दोस्तों 43 पोस्ट थी, अब इसमें 143 पोस्ट कर दी, यानी 100 वैकेंसी बढ़ा दी गई है। उसके बाद दोस्तों नॉर्थ फ्रंट रेलवे जो हमारा पड़ता है दोस्तों गुवाहाटी, पहले इसमें 129 पोस्ट थी, अब इसमें 428 पोस्ट कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों नॉर्थन रेलवे जो हमारा पड़ता है दोस्तों चंडीगढ़, पहले इसमें 150 पोस्ट थी, अब इसमें 499 पोस्ट कर दी गई है। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यानी कि जयपुर, पहले इसमें दोस्तों 228 पोस्ट थी, अब इसमें 761 पोस्ट कर दी गई है। आगे देखते हैं दोस्तों साउथ सेंट्रल रेलवे यानी कि दोस्तों सिकंदराबाद, पहले इसमें दोस्तों 585 पोस्ट थी, अब इसमें 1949 पोस्ट कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है थी पहले साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी दोस्तों बिलासपुर, पहले इसमें 1,112 पोस्ट थी, अब इसमें 3,973 पोस्ट कर दी गई है। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी दोस्तों कोलकाता, पहले इसमें दोस्तों 300 पोस्ट थी, अब इसमें 1,001 पोस्ट कर दी गई है। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों साउथर्न रेलवे यानी चेन्नई, पहले इसमें दोस्तों 218 पोस्ट थी एएलपी की, अब इसमें 726 पोस्ट कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों साउथ वेस्टर्न रेलवे यानी कि हुबली या बेंगलोर, ठीक है दोस्तों, पहले इसमें 473 पोस्ट थी, अब इसमें 1576 पोस्ट कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि जबलपुर या भोपाल, ठीक है दोस्तों, पहले इसमें 219 पोस्ट थी और इसमें 729 पोस्ट कर दी गई है। उसके बाद दोस्तों वेस्टर्न रेलवे यानी कि अहमदाबाद, ठीक है दोस्तों, पहले इसमें 413 पोस्ट थी, अब इसमें 1376 पोस्ट कर दी गई है। दोस्तों जो पहला एएलपी वैकेंसी थी टोटल थी 5,669 पोस्ट, और जो अब इसमें बढ़ा दी गई है 18,799 पोस्ट कर दी गई है, यानी कि दोस्तों देख लो इसमें करीबन 3 गुना पोस्ट बढ़ा दी गई है। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बेल आइकन बटन को ऑन कर दें, जिससे कोई भी गवर्नमेंट भर्ती अपडेट मिले दोस्तों हम आपको अपडेट कर देंगे। अगर दोस्तों आपकी अभी भी कोई जानकारी रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, और टेलीग्राम ग्रुप का इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों।